सब्सक्राइब करें हमारी चैनल को और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आज मैं तुहाडे लिए चैप्टर नंबर 13 दलेरी दी मिसाल माई भागो लैके हाजिर हाँ। बच्चों अज आप माई भागो बारे पढ़ांगे, उन्होंने दलेर औरत क्यों कहा जाता इतिहास में, मतलब इतिहास में भी जिहड़ी भागो जी है उन्होंने नाम बड़ा सत्कार नाल लिया जाता है, तो उन्होंने नाँ उत्ते कई ट्रस्ट है जिहड़े वो पंजाब विच या आसे पासे जिथे भी उन्होंने अपना जीवन बतीत किया सी उत्थे चल रहे ने। तो आप उन्होंने बारे चैप्टर पढ़ांगे बच्चों, तुसीं मेरे नाल रीड करना है। देखो इतिहास विच माई भागो का नाँ बड़े माण सत्कार नाल लिया जाता है। आप का जन्म तरन तारण जिले दे चबाल पिंड विखे पिता श्री मल्लो शाह दे घर होया। इकलौती धी होण करके उन्हां दा नाम भागपरी रख्या गया। भागपरी सीगा पहला नाँ जो बाद विच माई भागो दे नाँ नाल प्रसिद्ध होए। उन्हां दा सुभाव बचपन तो ही बड़ा दलेरी भरिया सी। आप जी दे पिता छेवें पातशाह श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी की फौज विच शामिल हो के मुगलों विरुद्ध जंग लड़े सीगे। भी जिहड़ा मल्लो शाह सीगा जिहड़ा माई भागो जी दे जिहड़े पिता जी सन, वह छेवें गुरु सीगे जिहड़े सिखां दे, श्री गुरु हरगोबिंद साहिब जी उन्हां दी फौज विच सीगे अते मुगलों विरुद्ध लड़ाई भी लड़ी सी। बहादुरी हौसला अते सिक्खी प्यार उन्हां नूं विरसे विच्चों मिलिया। उन्होंने गुरु गोबिंद सिंह जी द्वारा सिखां नूं दित्ती जांदी शस्त्र विद्या बारे भी सुनिया होया सी। इस तों प्रभावित हो के माई भागो ने घर विच ही नेजेबाजी की सिखलाई आरंभ की। मतलब माई भागो सीगे जिहड़े, उन्होंने की है घर ही नेजेबाजी सीखनी स्टार्ट कर ली सी। गुरु अर्जन देव जी की कुरबानी और सिखां नाल हो रही बेइंसाफी का उन्होंने मन उत्ते डूंघा असर होया सी। उन्होंने अजिहे अन्याय विरुद्ध लड़न का फैसला किता सी। जदों श्री आनंदपुर साहिब का युद्ध चल रहा सी, मुगलां अते पहाड़ी राज्यां दी जिहड़ी फौज सीगी उन्होंने श्री आनंदपुर साहिब नूं घेरा पाया होया सी। किले अंदर रसद पानी की घाट कारण औखा वेला बनिया होया सी। भी जदों आनंदपुर साहिब का युद्ध चल रहा सी उस वेले मुगल अते जिहड़े पहाड़ी राजे सीगे उन्होंने आनंदपुर साहिब नूं घेर लिया। जदों 6 महीने या 7 महीने साल तक वो घेराबंदी रही तो किले के अंदर रसद पानी सीगा जिहड़ा खाण पीण का समान सीगा वो खत्म होने वाला हो गया। तो जदों समान खत्म होया तो औखा वेला आ गया। तो जिहड़े अजिहे मौके कुछ सिख गुरु जी नूं बेदावा दे के घरां नूं वापस आ गए। तो उस वेले सिख गुरु सीगे गुरु गोबिंद सिंह जी। तो जदों आनंदपुर साहिब के किले विच इहो जिहे हालात बने तो कोई 40 सिख सीगे उन्होंने की है गुरु गोबिंद सिंह जी नूं बेदावा दिता। बेदावा मतलब लड़ाई के मैदान विच्चों वो हट गए उत्तों। बेदावा एक चिट्ठी सीगी जिस विच उन्होंने सारिया ने साइन किते लिखा भी असी तुहानूं इस आनंदपुर साहिब विच असी तुहानूं छड्ड के जा रहे हैं। अपने अपने साइन कर दिते अपने अपने घरां नूं चले गए। जदों ये सिख अपने घर पहुँचे तो उन्हां दियां मावां भैणां ते पत्नियां उन्हां नूं लांता पाउण लगियां। जदों ये सिख बेदावा दे के घर पहुँचे तो मावां भैणां ने बहुत गालां कढ़ियां। जदों इन्हां सिखां दा मेल माई भागो जी नाल होया तो उन्हां वंगार के कहा भी जदों फिर उस तो बाद पहलां तां घरदियां ने गालां कढ़ियां तो फिर जदों माई भागो जी नाल मिले तो उन्होंने भी वंगार के कहा असीं मैदान च जा के लड़ांगियां तुसीं घर बैठो। माई भागो सीगे जिहड़े उन्होंने कहा भी असीं लड़ाई दे मैदान विच गुरु गोबिंद सिंह जी नाल जा के लड़ांगे तुसीं घर बैठो। माई भागो दे अजिहे बोलां ने बेदावा लिखण वाले सिखां दी आत्मा नूं झंझोड़िया। बेदावीए सिख माई भागो जी की प्रेरणा सदका गुरु जी की भाल विच खिदराणे की टाब विखे पहुँचे। हुण जिहड़े ये सिख सीगे माई भागो ने जदों इहो जी गल आखी तो यह की है गुरु जी गुरु गोबिंद सिंह जी की भाल करते करते खिदराणे की टाब विखे पहुँच गए। सूबा सरहिंद वजीर खां दियां फौजां पिछा करदियां आ रही सन। ढाब के नेड़े सिखां ने मोर्चे संभाल ले। दोहां धिरां
दरमियान गैगिच लड़ाई हुई, मतलब बहुत भयंकर लड़ाई हुई। श्री गुरु गोबिंद सिंह जी वल्लों मुगल साम्राज्य खिलाफ़ लड़ी जाने वाली इस लड़ाई विच इन्हां बेदावियां ने बड़ी ब्योतबंदी अते बहादुरी नाल हिस्सा लिया अते शहीदियां प्राप्त कीतियां। मतलब जिहड़े 40 सिख जिहड़े छड़ के गए सीगे इन्हां ने गुरु जी नाल जा मिले अते बहुत ब्योतबंदी नाल, मतलब बड़े तरीके नाल अते बड़ी हिम्मत नाल लड़ाई लड़ी अते शहीद हो गए सारे। गुरु जी ने नेड़े दी टिब्बी तो तीरां दी अजिही वरखा कीती कि दुश्मन फौज नूं भाजड़ां पै गईआं। भी सिखां दी फौज ने सिखां दी जिहड़ी फौज सीगी उह भी बहुत हौसले नाल लड़ी सी। गुरु गोबिंद सिंह जी भी बहुत हौसले नाल लड़े। माई भागो जी इस लड़ाई विच बड़ी दलेरी नाल लड़े अते गंभीर जख्मी हो गए। इस लड़ाई विच माई भागो जी ने भी हिस्सा लिया सी अते जख्मी हो गए। गुरु जी ने टिब्बी तो हेठां उतर के कल्ले कल्ले शहीद सिख नूं छाती नाल लाया। जदों गुरु जी अगे वधे तां इन्हां विच्चों भाई महा सिंह सहक रहे सन, भी जिहड़े 40 सिख सीगे इन्हां विच्चों मतलब जिहड़ा महा सिंह सीगा उहदे विच अजे प्राण सीगे उह थोड़ा थोड़ा सहक रहा सीगा, मतलब करा रहा सीगा। मूँह विच जल पाया अते गुरु जी ने महा सिंह नूं अपनी इच्छा दसण लई कहा। गुरु जी ने गुरु गोबिंद सिंह जी ने उस महा सिंह दे मुँह विच पानी पाया ते उसनू पुछया भी तेरी आखरी इच्छा की है। महा सिंह ने कहा पिता जी जे खुश हो तां बेदावे वाला कागज़ पाड़ दिओ। ते उस महा सिंह ने सिर्फ इन्ना ही कहा, पिता जी कहिंदे सीगे सारे उन्हां नूं कि पिता जी जेकर तुसीं खुश हो तां उह बेदावे वाला कागज़ पाड़ दिओ। गुरु जी ने बेदावा पाड़ के टुट्टी गंढ दित्ती। टुट्टी गंढना मतलब मिलाप करना, मतलब जो दिल विच उन्हां लई जो भी गंढ सीगी उह टुट गई सी अते सिंघां नूं मुक्ति दा वर दित्ता। उन्हां ने खिदराणे दी ढाब नूं मुक्तसर दा नां बख्शिया। गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्हां बेदावियां तों खुश हो के जिहड़ी खिदराणे दी ढाब सीगी उन्हां नूं मुक्तसर दा नां दित्ता। मुक्ता मुक्ते मुक्ते उन्हां 40 मुक्तियां नूं कहा जांदा है। मुक्तसर जिहड़ा इह नाँ है उन्हां 40 मुक्तियां दी याद विच ही रख्या गया सी। इत्थे गुरुद्वारा श्री दरबार साहिब सुशोभित है जिथे श्री दशमेश जी ने, दशमेश मतलब दसवीं पातशाही ने 40 मुक्तियां दा अंतिम संस्कार अपने हत्थी कीता। उत्थे सरोवर दे किनारे गुरुद्वारा शहीदगंज साहिब स्थापित है। हर साल देश विदेश तो वड्डी गिणती विच संगतां इस पावन स्थान ते हाजरी भरदियां हन। माई भागो जी दी प्रेरणा नाल माझे दे सिखां दा गुरु जी नाल दुबारा मेल होया। इन्हां 40 मुक्तियां नूं रोज़ाना दी अरदास विच याद कीता जांदा है। बच्चो जिहड़ी अरदास हुंदी है गुरुद्वारियां विच, हर रोज़ अरदास हुंदी है ते अरदास विच जिहड़े सिख गुरु साहिबान ने उन्हां दे नाल नाल इह जिहड़े 40 मुक्ते ने उन्हां नूं भी याद कीता जांदा है। श्री मुक्तसर साहिब विखे उस स्थान उत्ते माई भागो जी दा गुरुद्वारा सुशोभित है जिथे उन्होंने जालमां दा डट के मुकाबला किया सीगा। मुक्तसर साहिब विखे माई भागो जी का भी गुरुद्वारा बनिया होया है। माई भागो जी गुरु गोबिंद सिंह जी नाल दमदमा साहिब तो बाद दक्षण वल नूं चल पे। भी इस युद्ध तो बाद माई भागो जी भी गुरु गोबिंद सिंह जी नाल दमदमा साहिब तो दक्षण दक्षणी भारत वल आ गए अते नादेड़ साहिब पहुँच गए। नादेड़ विखे आ के गुरु जी ने बाबा बंदा सिंह बहादुर नूं पंजाब वल भेजा। माई भागो जी नादेड़ विखे भजन बंदगी करते रहे। इत्थे माता जी की याद विच तपस्थान नादेड़ विखे माई भागो की याद विच तपस्थान भी बने हैं। गुरु जी के ज्योति जोत समाउण तो पिछों बिदर दे इलाके विच धर्म प्रचार करते रहे अते नाम बंदगी करते। पिंड जिंदवाड़ा विखे गुरु चरणा विच जा विराजे। भी पिंड जिंदवाड़ा सीगा जिहड़ा उत्थे ज्योति जोत समा गए। इस स्थान ते माई भागो जी की याद विच एक गुरुद्वारा साहिब सुशोभित है। अज कल माई भागो जी के नाँ उत्ते बहुत सारे विद्यक अते होर अदारे चल रहे ने। भी माता जी के नाँ नूं याद करन लई बहुत सारे विद्यक मतलब पढ़ाई दे रिलेटिड अते होर भी स्कूल हस्पताल वगैरह चल रहे ने। माई भागो जी का जीवन आने वाली पीढ़ी लई हमेशा प्रेरणादायक बनिया रहेगा। तो ये चैप्टर कंप्लीट होया बच्चे, हुण आपां इहदे क्वेश्चन आंसर कर लैने आ। देखो सब तो पहला क्वेश्चन है, माई भागो जी का जन्म किहड़े पिंड विच होया? ते माई भागो जी का जन्म होया सीगा पिंड चबाल विखे।
ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਲੈਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਨੇਜੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਨਾਮ ਬਖਸ਼ਿਆ ਸੀਗਾ? ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੁਕਤਸਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ? 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦਾ। ਕਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਵਿਰਾਜੇ? ਹੁਣੇ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਹਟੇ ਹਾਂ, ਜਿੰਦਵਾੜਾ ਵਿਖੇ। ਫਿਰ ਛੋਟੇ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਕਿੱਥੇ ਹੋਇਆ? ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਜਨਮ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਚਬਾਲ ਵਿਖੇ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀਗਾ ਮਾਲੋ ਸ਼ਾਹ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ? ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਸੀਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਲੇਰੀ ਭਰਿਆ ਸੀ। ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਫੌਜ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਇੱਛਾ ਦੱਸੀ? ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਨੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜੇਕਰ ਪਿਤਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਤਾਂ ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਫਾੜ ਦਿਓ। ਕਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ? ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਨਾਲ ਮਾਝੇ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਮੇਲ ਹੋਇਆ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੱਚਿਓ, ਸੰਖੇਪ ਉੱਤਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਅਨਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦਾ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮਨ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੜਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਕਿਉਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ? ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹੀ ਕੁਸਚਨ ਪਿੱਛੇ ਰਿਪੀਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਪਹਾੜੀ ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ ਸੀਗਾ ਉਸਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਘੇਰੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਿਲ੍ਹੇ ਅੰਦਰ ਰਸਦ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਔਖਾ ਵੇਲਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬੇਦਾਵੇ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਜਦੋਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਸਲੂਕ ਹੋਇਆ? ਜਦੋਂ ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਭੈਣਾਂ, ਧੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਂਤਾਂ ਪਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਲੜਾਂਗੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਬੈਠੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਬੇਦਾਵੇ ਵਾਲਾ ਕਾਗਜ਼ ਪਾੜ ਕੇ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਵਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮਾਈ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਦਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਾਕਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲੈਸਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਚੂਜ਼ ਕਰਕੇ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਹੈ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ, ਦੇਖੋ ਫਿਲਅਪ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਕਲੌਤੀ ਧੀ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਭਾਗ ਪਰੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਤਰ ਕੇ ਇਕੱਲੇ ਇਕੱਲੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਹਰ ਸਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤਾਂ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਹੈ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਣਾਦਾਇਕ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਜ ਲਈ। ਇੰਨਾ ਹੀ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ।